हेलो पीपल सो प्रीवियस वीडियो में हमने ये तीन मेन चीजें देखी थी और इनका पूरा एकदम अच्छे से विजुलाइजेशन भी देखा था ठीक है और एक पैटर्न मैंने तुमसे बोला था अगर तुम चाहो तो याद रख सकते हो अब मैं थोड़ा और इस चीज को आगे लेकर जा रहा हूं और अब मैं बात करना चाहूंगा डेरीवेटिव पे ठीक है साइन एक्स के साइन एक्स के डेरीवेटिव पे मैं बात करनी है कि ये किसके बराबर होता है ठीक है तो ऑब्वियसली uh, अगर मैं इसका लिमिट वाला प्रूफ दिखाऊंगा तुमको तो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग तो लिमिट वाइज ये कुछ ऐसा लगेगा है ना अगर मैं उसके अंदर डाल दूंगा भाई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स तो ये ऐसा लगेगा अब देखो हम क्या करेंगे ना हम वो वाला फॉमुला यूज़ करेंगे वो होता है ना साइन सी माइनस साइन डी किसके बराबर होता है ये टू साइन के अंदर क्या आएगा सी माइनस डी बाई टू और कॉस के अंदर क्या आएगा सी प्लस डी बाई टू ठीक है तो वो अगर तुम इसमें लगा दोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में परफेक्ट अब उसके बाद हमने क्या करा तो अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो सकता है तो हमने क्या करा ना आ, हमने इस टू को हम नीचे ले गए तो ये बन गया एच बाई टू तो ये हमने इसको एक लिमिट मान लिया ऑब्वियसली मान क्या लिया मतलब लिमिट ब्रेक हो गई क्योंकि तो मल्टीप्लीकेशन है ना ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पर तो लिमिट को मैंने ऐसे करके दो भागों में ब्रेक कर लिया अब तुम सोच रहे हो ये सब हम करके हो रहे हैं वैसे तो ये बहुत ही सिंपल काम है जब मैं तुम्हें लिमिट्स के बारे में थोड़ा और डीप में जाकर के बताऊंगा प्ले लिस्ट नंबर टू के अंदर तो तब ये तुम खुद कर लोगे ठीक है इससे सौ होना डेढ़ सौ होना ज़्यादा टफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे ठीक है तो दैट्स नॉट अ बिग डील तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल अब ऐसा मैंने क्यों करा तो उसका एक रीजन है जो कि मैंने यहां दे रखा है अब ये जो प्रॉपर्टी है ये जो टाइप तुम्हें दिख रहा है, यहां पर, लिमिट बोलते है इसको, तो ये अभी भूल जाओ क्यों हो रहा है कहां से हो रहा है ये सब हम बहुत में पढ़ेंगे, पर अभी, के, अभी नहीं पढ़ रहे इसके हिसाब से ये जो चीज है ये फिलहाल में बना जाती है ठीक है अब जरा इधर देखते हैं इधर क्या हो रहा है इधर जब एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फिर ये टू और ये टू कट जाएगा तो सिंपल कॉस एक्स लिखा हुआ है ठीक है अभी कुछ ऐसा लिख हुआ है लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एक्स अब तुम अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल यहां पर एच है ठीक है एक्स नहीं है एच है यानी कि कॉस एक्स ये तो पूरा कॉन्स्टेंट ही हो गया तो कॉन्स्टेंट तो एज इट इज बाहर आ जाएगा ठीक है तो यानी कि इसने हमें क्या दिया इसने हमें ये दिया कॉस एक्स सो वन इंटू कॉस एक्स आंसर क्या आ गया कॉस एक्स ठीक है जी तो वेल दैट मीन्स कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और इनफैक्ट अब अगर तुम यही लिमिट कॉस पे करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा माइनस साइन एक्स तो ये दो फॉर्मूले होते हैं ये आपको याद रखने खत्म लोगों को ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है विजुअल प्रूफ में और इंटुवेशन में फीलिंग में तो वो निकल सकते हैं ठीक है मतलब तो बेसिकली उनका काम हो गया बस इतना ही था ठीक है इसका रिलेटिव ये होता है इसका रिलेटिव ये होता है अब अभाव ठीक है अब मैं ज़रा उनके लिए आता हूँ जो कि थोड़े मेरे टाइप के उनको थोड़ा क्यूरियसिटी ज्यादा होती है इंटुवेशन जानिए है हर चीज की ठीक है तो मैं पहले ये बताता हूँ कि साइनेक्स जब हमने बनाया था पहली बार जब दुनिया में पहली बार साइनेक्स के फंक्शन को जनरलाइज किया गया था तो तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने कैसी शुरुआत करी थी हमने शुरुआत करी थी एक यूनिट सर्कल से ठीक है तो उसी पर आ जाते हैं ओके

अब सुनो देखो यहाँ पर इस एंगल भी तुम समझ जाओगे यहाँ पर ये टैन थीटा सॉरी टैन थीटा कह रहा हो मेरे मुँह से टैन थीटा निकल गया ये थीटा है ठीक है तो ये बेसिकली आपका थीटा एंगल यहाँ पर ये बना रहा है परफेक्ट अच्छा जी अच्छा अब एक और पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर ठीक है तो पहले मैं कुछ नोटेशनल चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ ठीक है तो देखो ये जो तुम देख रहे हो इसको ये आपका वन यूनिट का है ठीक है ये मेरा थीटा है परफेक्ट ठीक है मैं बल्कि इसको एक्स बोलूँगा मैं इसको एक्स बोलता हूँ ये क्या हुआ ओके तो इसको मैं यहाँ पर एक्स बोलूँगा अब हमें पता है कि जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालना है कुछ भी करना है तो हमें एक्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है तो हम कर देते हैं एक्स प्लस एच राइट एक्स प्लस एच तो यहाँ पे मैंने क्या करा है यहाँ पे मैंने ये जो तुम्हारा ग्रीन कलर का डंडा इसी को रोटेट करके मैं इसको इधर लेकर आऊँ अगर ऐसे करके तो ये जो एंगल मैंने इसको एच यूनिट्स और रोटेट कर दिया राइट right? तो ये टोटल कितना रोटेट हो गया टोटल कितना रोटेट हो गया ये एक्स प्लस एच ठीक है परफेक्ट तो दिमाग में ये सब चीज़ें तुम्हें क्लियर रखनी है तो मैं यहाँ पर एक और वो बना देता हूँ ठीक है तो अगर तुम तो देखोगे तो मैंने ग्रीन वाला जो है इसी को भी मैं ऐसे रोटेट करते करते इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया है ठीक है तो अभी तो मैं इनको फार अपार्ट कर सकता हूँ आई होप तो समझ में आ रहा होगा अच्छा अब एक और मैं लाइन बना रहा हूँ जो कि इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर रही है ठीक है अब ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ वो तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा अब मैं कुछ परपेंडिकुलर बनाऊंगा ठीक है क्योंकि अगर तुम्हें याद हो अगर तुम्हें याद हो तो क्योंकि हमने इस वाले एंगल को हमने एक्स बोला है तो तुम्हें याद होगा होगा कि अगर ये यूनिट सर्कल है ठीके? अगर ये वन है और ये एक्स है तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं तो यहाँ पर है, और इसको यहाँ पर हम बोलते हैं थीक है? थीक है? अच्छा जैसे यहाँ पर ये वाला जो एंगल था हटा देता हूँ हाँ तो ये जो येलो वाली लाइन बनाया था दैट वॉज एक्स प्लस एच तो अगर मैं इसका यहाँ पर खींचूंगा तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम बोलते हैं साइन एक्स प्लस एच ठीक है और इस हॉरिजॉन्टल को हम बोलेंगे कॉस एक्स प्लस परफेक्ट बहुत बढ़िया अच्छा तो मैं पर कुछ पर्पेंडिकुलर बना देता हूँ ठीक है इससे काफ़ी अच्छे से आइडिया हो जाएगा एक दो और ये चल भले इतने काफ़ी है ठीक है ओके ये परपेंडिकुलर मैंने थोड़े लंबे बना दिए हैं पर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ इतना सा रहना चाहिए ये वाला इतना रीजन और आपका ये वाला रीजन परफेक्ट नाउ नेक्स्ट अब एक और परपेंडिकुलर खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक ठीक है अब मैंने ऐसा क्यों करा तो वो तुम्हें समझ में आएगा जब मैं कुछ ट्राइंगल्स यहाँ पर तुम्हें बनाता हुआ दिखाऊंगा ठीक है तो पहला ट्राइंगल तो ये पहला ट्राइंगल तो हमारा ये हो गया और दूसरा ट्राइंगल जो है वो है ये ठीक है तो आई होप सो इससे तुम्हें काफ़ी अच्छा एक, एक आइडिया मिल रहा होगा कि ये क्या हुआ ठीक है ये क्या हुआ क्योंकि इसी से हम करने वाले हैं जब हम करेंगे ठीक है तो ये जो ये जो तुम्हारे पास सामने फोटो आई है इसको एकदम अपने दिमाग में बसा लो क्योंकि तो तो अब एक और चीज़ करने वाले हैं देखो अगर तुम तो देखोगे तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ वो तो मेरी मर्जी है मैं जैसे चाहूँगा वैसे इसको आपका मूव कर सकता हूँ ठीक है अब मैं इसको अगर पास लाता जाऊँ ठीक है यहाँ पे था ये मैं इसको पास लाता जाऊँ लाता जाऊँ लाता जाऊँ तो उससे क्या होगा पहले मैं एक मिनट इसका को रिमूव करता हूँ और अब जरा इस पॉइंट पर मैं जूम कर रहा हूँ ठीक है तो जरा ध्यान से देखना कि में क्या होने वाला है इस पॉइंट को ध्यान से देखें ध्या क्या होगा ठीक है देखो यहाँ पर तुम्हें दो चीजें दिख लेंगे अभी मैंने इसको ज्यादा जूम कर दिया है तुम्हारे को एक तो ऑरेंज या रेड कलर की तुम्हें एक आर्क टैक भी दिख रही है और एक ये मुझे वाइट कलर की एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है ठीक है अब जैसे जैसे मैं पास आऊंगा जैसे जैसे मैं इस पॉइंट को पास लाता जाऊँगा लाता जाऊँगा तो देखो होगा क्या क्या हो रहा है ये क्या लग रहा है, तुम्हें है? इस पॉइंट पेटली exactly क्या हुआ ये आर्क और जो अपना एक्सटेंशन लिया समझ लो बिल्कुल चिपका हुआ है, ऐसे बिल्कुल ये इतना सा। ठीक है यहां पे तो अगर तुम से देखोगे इतनी सी जगह पे तो कोई बता नहीं सकता कि वाइट क्या है वही सब रेड क्या ठीक है तो तुम देख सकते हो बिल्कुल सेम आ गया बिल्कुल सेम आ गया तो अगर मैं इस लाइन को जो तुम्हें वाइट कलर की दिख रही है अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा ठीक है मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा लेटर से यहाँ पर मैंने बनाया और ये मैंने बनाई तो क्या क्या ये एक बन हो। तो, मैं इसको कर तो, तो तुम कि क्या बना ठीक है एक मिनट ओके सॉरी ऐसे होगा जूम आउट हो जा हो जा हो जा इस लाइन को मैं थोड़ा कलर करता हूँ देखिए अब देखिए अब काफी अच्छे से दिख रही होगी ठीक है तो ये मैंने जो पूरी लाइन बनाई है ऑरेंज कलर से तुम्हें दिख रही होगी बल्कि मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि तो ऑरेंज होता तुम्हारा वो भी है ना तो चलो पिंक बना दिया इसको मैंने ठीक है तो ये जो पिंक कलर की लाइन है ये बेसिकली ये इसका टेंजेंट बन गया अब एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमें पहले से पता है और वो प्रिंसिपल क्या है वो प्रिंसिपल ये है कि अगर एक ऐसे करके एक सर्कल है ठीक है और इस सर्कल पे मैंने एक टेंजेंट बनाया है इस सर्कल पे मैंने एक बनाया है इस मैच ये एक सर्कल है और मैंने कोई भी एक पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे करके मैंने एक टेंजन बना दिया तो सेंटर से अगर मैं इस लाइन को ऐसे करके जोड़ दूंगा तो तुम्हारे टेंथ क्लास का सर्कल ये बोलता है कि यहाँ पर ये जो है ये नाइन्टी डिग्री होगा ठीक है और इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ <laughs> ठीक है इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ एक तो मैं थोड़ा इसको बाहर ले आता हूँ फिर से ठीक है मैं इसको थोड़ा फिर से जो कहते हैं फैला देता हूँ ठीक है क्योंकि हमेशा ये टेंजेंट नहीं होगा वैसे भी सीकेंट बन जाएगा पर अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब अगर हम उसको पास ले जाते हैं तो ऐसा होता है

हाँ तो ये जो मैंने बनाया अगर ये मैं एक्स बोल रहा हूँ इसको और ये मेरा यहाँ पर ये नाइन्टी डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा ये होगा नाइन्टी माइनस एक्स राइट परफेक्ट अच्छा अब क्या बोला मैंने मैंने क्या बोला था कि जो पिंक कलर की लाइन है वो एक्चुअल में टेंजेंट है वो एक्चुअल में टेंजेंट है सर्कल पे यानी कि अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूँ किस वाले एंगल की आ, कुछ इस वाले एंगल की थोड़ा मोटा कर दिया मैंने आ, ये इस वाले एंगल की ठीक है दिस इज नाइन्टी डिग्रीज दिस इज नाइन्टी डिग्रीज तो अगर ये नाइन्टी डिग्रीज है ओ सॉरी ठीक है अब ऐसा करेगा ये पता नहीं इसको क्या हो गया है तो फिलहाल मैंने क्या बोला था दिस वॉज एक्स दिस वॉज नाइन्टी एंड दिस वॉज नाइन्टी माइनस एक्स तो मैं सब ये बोल रहा हूँ कि अगर ये पूरी चीज़ नाइन्टी है ये पूरी चीज़ नाइन्टी है पहली बात दूसरी बात क्या दूसरी बात क्या दूसरी बात सर जी ये कि ये भी तो नाइन्टी है ये भी तो नाइन्टी है है ना ये भी तो नाइन्टी है तो अगर ये नाइन्टी है तो अगर ये नाइन्टी माइनस एक्स है तो ये क्या होगा ये एक्स होगा पर अगर ये नाइन्टी है अगर ये चीज नाइन्टी है वेल दैट मीन्स कि क्योंकि ये एक्स है और वो नाइन्टी है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ये वाला एंगल हो जाएगा नाइन्टी माइनस एक्स और ये नाइन्टी है तो ये क्या होगा ये आपका एक्स होगा ठीक है तो जिसको समझ में आ गया उसको आ गया बाकी लोग अपने आप थोड़ा बहुत कॉपी पेन करोगे तो तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है ठीक है तो मैंने बस इतनी सी बात प्रूव कर दी यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल है दैट इज एक्स एंड दिस इज नाइन्टी रिपीज ठीक है अब मेरा काम हो गया अब मेरा काम हो गया अब तुम्हें जहाँ तक हर चीज़ समझ में आ गई है इतना जो मेहनत करके डायग्राम बनाया गया है उससे तो मैं काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी ठीक है क्योंकि अब जो है मैंने एक तरीके से इसको प्रूव कर दिया कि ये येलो कलर के जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है क्यों क्योंकि एक तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है ठीक है और फिर ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी अक्सर है दो एंगल्स इक्वल है तो बाय ए ए बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी वी कैन से कि दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे और क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ठीक है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तुम बहुत कुछ बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं वो भी बताता हूँ ठीक है अब ये याद करो ये क्या था ये था हमारा साइन एक्स ठीक है ये जो परपेंडिकुलर था और ये हमारा कॉस एक्स था ये जो इसका बेस था ठीक है मैं क्या कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूँ सुनो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे करने वाला है तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूंगा तो तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी एक ही बार में ठीक है मेरा काम निपट जाएगा तो ध्यान से देखा जाए तो ये जो पॉइंट था और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊ तो ये जो व्हाइट कलर का मैंने अभी बनाया है इसको हमने बोला था साइन एक्स प्लस एच बोलो बात सही है एकदम बिल्कुल सही बात है तो क्या मैं ये सही बोलूंगा क्या मैं एकदम सही बोलूंगा अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो ये दिस इज बेसिकली जो बड़ा वाला था sin x h sin x, है ना काफी तो कॉमन सेंस है कि मैंने बड़े में से इतने छोटे वाले को हटा दूंगा तो यही तो मिलेगा है ना यही तो मिलेगा तो ये वाली साइड तो मेरी ये है ठीक है अब जरा इस वाली साइड को देखते हैं ये क्या चीज है इनफैक्ट पहले हम इसको भी देख लेते हैं ये क्या चीज है uh, तो uh, ये एक्चुअल में ना ये जो साइड है ये एक्चुअल में एच के बराबर है अब क्यों बराबर है तो जिसने एंगल्स को पढ़ रखा है रेडियंस के अंदर तो रेडियंस के अंदर हम क्या बोलते हैं आर्क अपॉन लेंथ ठीक है तो ये मेरा एच के बराबर होगा जो मैंने बोला था कि आ, ये जो मैंने बोला था ना ये ये बेसिकली एच है एक्स प्लस एच की बात हो रही है ना तो एच जो होता है वो क्या होता है आर्क अपॉन लेंथ ठीक है अब लेंथ क्या है यहाँ पर हमारा रेडियस तो बन है तो ये तो लेंथ हट गया बेसिकली ये आर्क के बराबर है और आर्क जो है वही तो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ तो आर्क जो है वही एच के बराबर हो जाती है ठीक तो है तो हमें आप हाइपोटेनियस पता है इस ट्राइंगल का इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस एच है इसका परपेंडिकुलर जो है वो ये है इसका बेस क्या होगा तो इसका बेस भी बहुत सिंपल है क्योंकि इसका बेस अगर तुम देखते हो तो यहां से लेकर के यहां तक जो इसका बेस होगा वो होगा हो क्या वो होगा कॉस एक्स प्लस एच और यहां से लेकर के यहां तक जो बेस है वो कॉस एक्स है ठीक है तो ये क्या बन गया ये बन गया कॉस के अंदर एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स ठीक है ये मैं कहा से बोल रहा हूँ ये मैंने ऊपर भी बना रखा है तुम्हारे लिए यहां पर ठीक है तो तुम देख सकते हो ये कॉस एक्स प्लस एच है और ये आपका यहाँ है साइन एक्स प्लस एच है और ये आपका sin x है परफेक्ट नाउ नाउ तो अब मैं जो बोलने वाला हूं वही मेन चीज है वही चीज है क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो मेन तो चेंज इन तो एक्स क्या है एच और चेंज इन साइन क्या है साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स ठीक है तो क्या तुम यहां से देख करके ये चीज समझ पा रहे हो कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कॉस एक्स निकाल के दो तो मेरे को कॉस एक्स

ठीक है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस का क्या है ये स्मॉल एच यहां पे आ गया स्मॉल एच ठीक है तो बेसिकली जो हम बोलते हैं ना लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तो उसमें ये चीज लिखी हुई है जियोमेट्रिकली हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये बोलो चाहे इसकी जगह पे अगर मैं कॉस से एक्स लिख दूंगा दैट वुड बी सेम तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस एक्स दैट मीन्स ये साइन एक्स का जो तो डेरिवेटिव होता है दैट इज अगर तुम यहां पर अब थोड़ी देर के लेकर तुम यहां पर साइन एक्स निकाल के देखो अच्छा मैंने यहाँ पे उल्टा लिख रखा है वेरी सॉरी वेरी सॉरी यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया दिस इज कॉस एक्स है तुम देख सकते हो यह कॉस एक्स एक्सप्ल एच है ठीक है. है तो अगर अब मैं बोलता हूं इसमें देखो साइन एक्स क्या होगा इस ट्राइंगल का इस छोटे ट्राइंगल का मेरी कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच डिवाइड बाई है तो स्मॉल एच मेरा यहाँ पर आ गया ठीक है परफेक्ट तुम समझ गया होगा क्या हुआ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा ऊपर एक्स प्लस एच पहले आ जाएगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स ठीक है इस नेगेटिव को उधर ले जाते हैं इस नेगेटिव को हम uh, इस तरफ को ले आते हैं माइनस साइन एक्स को और अगर अब मैं बोलता हूं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो तो इधर भी लग जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है तो लिमिट हट भी गई तो इस पूरी चीज का जो आंसर है वो क्या हो गया माइनस साइन एक्स एंड दैट इज द आंसर मैन दैट इज द आंसर ठीक है सो दिस इज हाउ यू प्रूफ दिस इज हाउ हाउई प्रूफ दिसमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स ठीक है अब इसकी एक और मैं तुम्हें बस ग्राफिकल बार एक बार और समझा दे रहा हूँ तो वो दो चार मिनट में समझ में आ जाएगा ओके ठीक है और अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी गजब की ठीक है तो मज़ा आएगा तुम्हें काफ़ी कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं इस पर और यहाँ पर मैंने उस पर एक टेंजेंट बना दिया ठीक है अब मैं इस पॉइंट को मूव करा रहा हूँ और अब मतलब बेसिकली वही हमें स्लोपुर और टेजेंट के साथ खेलना होता है राइट तो बस वही हमें मेनली देखना है कि क्या हिसाब किताब मैं किसी भी पॉइंट पे तो मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल मैं जीरो कौन जीरो पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो ये स्लोप बन रही है उसको अगर तुम निकालना चाहोगे तो तुम्हें क्या लगता है क्या बनेगी भाई इस पॉइंट पे पर स्लोप है क्या होगी ये वन लग रही है मेरे को तो यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो यहाँ पर आ, आएगा कुछ ना कुछ है ना क्योंकि ये वन है ठीक है ये जीरो पे तो ये पॉइंट आना चाहिए ठीक है सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ू लेटेस्ट से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के चलो यहाँ गया मैं ठीक है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर तुम तो ध्यान से देखोगे ना जब ये बिल्कुल टॉप पर है तो यहां पर इसकी स्लोप क्या हो रही है जीरो हो रही है ठीक है और फिर तुम देख सकते हो इस तरीके से जा है बल्कि मैं तुम्हें सीधे दिखाई दे रहा हूँ ना तुम्हें तो कि तो x का ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है एंड नाउ कैन क्लियरली सी कि अगर मैं जीरो काम जीरो पे हूँ तो x क्या होता है कॉस जीरो क्या होता है वन होता है ठीक है और हमने बोला था कि उसकी स्लोप वन होनी चाहिए ठीक है सिमिलरली अगर मैं इधर देखता हूँ तो इधर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पर जो स्लोप है है ना टेंजेंट की टेंजेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुका है इस पॉइंट पे है ना और हॉरिजॉन्टल जो होता है बिल्कुल एकदम अगर तुम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल बना दोगे तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया कि अगर तुम टैन जीरो कर रहे हो और टैन जीरो क्या होता है जीरो राइट सो so, बेसिकली uh, आपका जो स्लोप है वो जीरो है यहां पर है ना और तुम देख भी सकते हो यहां पर कि इस एग्जैक्ट पॉइंट पर इस एग्जैक्ट पॉइंट पर यहाँ पर जो आपका कॉज है पाए बाय टू पे वो आपका जीरो होता है ठीक अगर तुम आगे बढ़ते हो तो यहां पर इसकी स्लोप क्या हो जाती है माइनस वन एंड यू कैन सी इट इज माइनस वन राइट ठीक है सिमिलरली तुम और भी देख सकते हो इस पॉइंट भी अगर तुम देखोगे तो कुछ बीच में आनी चाहिए और यहाँ पर एक्जैक्टली exactly बीच में रहे और नेगेटिव होनी चाहिए तो नेगेटिव है ठीक है तो हम एकदम ग्राफिकली हम समझ चुके हैं इस चीज़ को ठीक है तो आई थिंक सो इसमें कोई तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए कि साइनेक्स का जो डेरीवेटिव है वो कॉसेक्स ही क्यों है तुम्हें इसका भी अब तुम्हें अच्छे से एकदम लॉजिकल आंसर तुम्हें इसका पता है इनफैक्ट अगर तुम इसका वो देखते हो ठीक है ये मैंने क्या बना रखा है तो ये उल्टा है मतलब कि अगर तुम एक मिनट जाओ देखो ये मैंने बनाया तुम्हारे लिए कॉसेक्स ठीक है दिस इज कॉसेक्स ठीक है परफेक्ट और अब मैं इसका डेरिवेटिव का ग्राफ बना रहा हूँ दैट इज माइनस साइन एक्स ठीक है और अब मैं इसकी स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ यानी कि टेंजेंट बना रहा हूँ तो टेंजेंट अगर तुम देखते हो तो कॉस जीरो पे कॉस जीरो पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या है जीरो है और तुम देख सकते हो साइन की वैल्यू जीरो पे क्या होती है जीरो होती है है ना मतलब माइनस आइन की भी ऑब्वियसली जीरो होगी अगर मैं इधर देखता हूँ इस पॉइंट पर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है अगर तुम इस टेंजेंट की वैल्यू देखोगे दैट वुड बी माइनस वन उसकी जो स्लोप होगी है ना और तुम देख सकते हो माइनस आइन की भी वो है लेकिन अगर मैं यहाँ पर ना अगर मैं यहाँ पर साइन लेता ठीक है अगर तुम ध्यान से देखो अगर मैं यहाँ पर साइन लेता तो फिर यहाँ पर आंसर आता वन जबकि स्लोप है माइनस वन इस वजह से हमने यहाँ पर एक नेगेटिव लगा रखा है ठीक है तो नेगेटिव का ये सिग्निफिकेंस है परफेक्ट अब अगर तुम देखते हो कहीं पर भी तुम लेकर जाओगे तो तुम हमारे साथ हमेशा जो है ऐसा हो रहा होगा आई होप सो यार इसमें तुम्हें काफ़ी जो है मज़ा आ रहा होगा और काफी हद तक तुम्हें एक इंटेटिव फीलिंग मिल चुकी है साइनिक्स एंड कॉसिक्स के डेरीवेटिव की ठीक है अच्छा एक और छोटी सी बात जो मैं कर लेनी चाहिए यहीं पर ही तुम सोच रहे हो कि साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का हो गया पर उसके आगे का क्या है ना टेन एक्स एक्स और ये सब तो ये सब बहुत सिंपल है इनको अभी हम डिराइव करेंगे जब हम लोग अभी और कुछ रूल्स पढ़ेंगे उसके बाद हम इन पे आएंगे ठीक है मेन तो यही है इसी के इन दोनों के बेसिस पर ही हम निकाल लेंगे बाकी चार ठीक है ओके धन मिलते हैं अगले वाले में